पेंटिंग्स देखी है आपने, कितनी खूबसूरत है भाई। पेंटिंग्स ही एक ऐसा ज़रिया होता है जो इंसान के अंदर और बाहर की खूबसूरती को जाहिर करता है। और अपने शो गुरुग्राम लाइव में भी हम हमेशा कोशिश करते हैं कि ऐसे ही हुनरबाजों से आपको मिलवाएं जिनका हुनर कुछ खास है और कुछ अलग है। तो चलिए मिलते हैं अपने इस खास मेहमान से। हेलो एवरीवन, मैं हूं विशाली और आज हम गुरुग्राम लाइव में हम आपको दिखाएंगे कि उंगलियों का जादू रंगों के साथ कैसे होता है। कंफ्यूज मत होइए क्योंकि हमारे साथ आज हैं गजाली जी जिनकी उंगलियों में जादू है। जी हां, और ये बात हम कह नहीं रहे बल्कि हमारे पीछे रखे ये कैनवस खुद ब खुद बयां कर रहे हैं कि कैसे बिना ब्रश के उंगलियों से रंगों से इतनी सारी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाई जाती है। सब वेलकम टू गुरुग्राम लाइव। तो सर, सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपकी पेंटिंग्स की, कि आप किसी भी आर्टिस्ट का माना जाता है कि पेंट ब्रश उसका शस्त्र है, आपने उस स्टेरियोटाइप्स को तोड़कर उंगलियों से पेंट करते हैं और बहुत खूबसूरत आप पेंट करते हैं, तो वो कैसे करते हैं आप? एक्चुअली वैशाली, आई एम एन इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट। तो इम्प्रेशनिस्ट में कोई ज़रूरी नहीं है कि आर्टिस्ट जो है वो ब्रश से ही काम करे। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझको, मैंने अपनी जो ब्रश कन्वेंशनली कभी यूज़ नहीं किया, और वो इसलिए नहीं कि मैंने कोई जानबूझ के ऐसा किया है, बल्कि ये कि मेरा टेम्परामेंट जो है वो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही कामली काम करूँ। सो कॉलेज टाइम से ही मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि जब मैं पेंट अप्लाई करता हूँ कैनवस के ऊपर, तो मुझे उतना पेशेंस नहीं है मेरे अंदर कि मैं उसको बहुत आराम आराम से करूं। तो उसी वक्त से मुझको ज़रा सा ये हुआ कि मैंने पहले तो डायरेक्ट ट्यूब से लेके काम करना शुरू कर दिया, जब मुझे उससे थोड़ी प्रॉब्लम हुई ब्रश से काम करने में, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया पेशेंस नहीं था। फिर मैंने इसको उंगलियों से डेवलप करना शुरू कर दिया इस चीज़ को, इस टेक्निक को। तो ये करते करते मतलब मुझे एक साथ 10 ब्रश मिल गए, जिसको आप कह रही हैं कि ब्रश जो है वो टूल होता है एक आर्टिस्ट का, तो वो मेरे पास 10 टूल हैं। हर आर्टिस्ट की कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है, तो आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है जो इतने खूबसूरत कैनवस पे कलर उतर जाते हैं? देखिए, इंस्पिरेशन अगर आप ये कहें कि नेचर अपने आप में एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, आप देखिए। और बेसिकली मेरा जो एक मिजाज है जो वो बाउंडेड नहीं है, बाउंड्रीज नहीं है उसमें कहीं भी। और नेचर को भी आप देखिए तो नेचर में कहीं बाउंड्रीज नहीं नज़र आती है, नेचर बहुत ही वाइड है। तो ये मुझे बहुत अपील करता है, नेचर मुझे बहुत अपील करता है। तो इंस्पिरेशन मेरी नेचर ही है, नेचर में इतनी चीज़ें हैं कि आप उसको कलेक्ट करते करते ही उम्र गुजर जाए पूरी, और वो चीज़ आप पूरी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते जो इमेजिनेशंस हैं आपके कैनवस पे। इस पेंटिंग के बारे में बताइए जो एक वैली लग रही है, लेकिन अगर मैं इसके करीब जाऊंगी तो ऐसा लगेगा कि बस कैनवस पे रंगों को बिखेर दिया गया है, और जैसे ही डिस्टेंस में हम इसे देखते हैं तो वो उसके जो फिगर्स हैं वो उभरने लगती है। जी देखिए, ये खाली इसी पेंटिंग की बात नहीं है, ये आप जिस पेंटिंग को भी देखेंगे उसमें आपको यही इम्प्रेशन आएगा। जब आप इसको करीब से देखेंगे तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि ये है क्या चीज़, और जब आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे तो फिगर्स अपने आप डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं, उसके अंदर इमर्ज होनी शुरू हो जाती हैं, मैं कहूँ तो। इंडिया में जैसा कि हम जानते हैं कि कला की कोई कमी नहीं है, आर्टिस्ट की कोई कमी नहीं है, तो आप उन उभरते हुए आर्टिस्ट के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे जो अपनी इस
सीढ़ी पर कदम रख रहे हैं और कुछ मुकाम हासिल करना चाहते हैं? देखिए, मैं दो तीन चीज़ें किसी भी आर्टिस्ट या बराबर किसी भी बिगनर से कहना चाहता हूँ कि दुनिया में किसी भी चीज़ का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप ये सोचें कि साहब मैं बहुत जल्दी किसी मकाम को हासिल कर लूँ या किसी बहुत, और अगर आपने कभी हासिल कर भी लिया तो वो बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं टिकता है, ये मेरा मानना है जहाँ तक मुझे तजुर्बा है। दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए आपको एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, पूरा कंप्लीट करना पड़ता है। स्ट्रगल लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए कि उस चीज़ के लिए बहुत बेचैन ना हो कि साहब हम जो हैं वो किसी भी तरह से ऐसी जगह पहुंच जाएं, और ना पहुंचे जल्दी तो बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से, ताकि वो चीज़ आपके ज़िंदगी में बहुत देर तक रहेगी और जो मेहनत आप करेंगे उसी को वही चीज़ आपको बाद में आपको सिला देगी। तो गजाली जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला और हमसे कुछ बात की। तो ये तो थे गजाली जी हमारे साथ, जिनकी उंगलियों में जादू है और वाकई इनकी बातों और इनके कैनवास में जादू है जो ये रंगों के साथ खेलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और गुरुग्राम की दिलचस्प चीज़ों के लिए बने रहे हमारे साथ।